भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हनुमा विहारी ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए तहलका मचा दिया है। वो इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। हनुमा ने अपनी घरेलू टीम आंध्र प्रदेश एसोसिएशन के खिलाफ बगावत करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। हनुमा ने कहा था कि एक खिलाड़ी को डांट लगाने की वजह से वो राजनीति का शिकार हुए हैं। हालांकि हनुमा ने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया था, मगर अब आंध्र की टीम के ही विकेट कीपर बल्लेबाज केएन पृथ्वीराज ने सामने आकर जवाब दिया है। पृथ्वी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा, सभी को नमस्कार, मैं वही आदमी हूँ जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में खोज रहे हैं। आप लोगों ने जो भी सुना है वह बिल्कुल झूठ है। खेल से बड़ा कोई नहीं है। व्यक्तिगत हमले और अभद्र भाषा किसी भी तरह से अस्वीकार्य है। टीम में हर कोई जानता है कि उस दिन क्या हुआ था। बता दें कि केएन पृथ्वीराज के पिता फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में हनुमा ने भी इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, बंगाल के खिलाफ पहले मैच में मैं कप्तान था। उस मैच के दौरान मैं उस खिलाड़ी पर चिल्लाया और उसने अपने पिता जो कि एक राजनेता हैं से शिकायत की। बदले में उसके पिता ने संघ से मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। 30 साल के हनुमा ने कहा, मैंने खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन संघ ने सोचा कि वह खिलाड़ी उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसने पिछले साल अपना शरीर दांव पर लगा दिया और बाएं हाथ से बल्लेबाजी की। पिछले 7 साल में 5 बार आंध्र को नॉकआउट में जगह दिलाई और भारत के लिए 16 टेस्ट खेले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्रिकेट की ऐसी ही शॉर्ट और मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।